हाय एंड हेलो, दिस रितेश, वेलकम बैक टू द क्लास। वो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डू सब्सक्राइब क्लास हो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, 10^3x इक्वल टू क्या है, 125, यानी कि 10^3x है 125, और आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 10^3x, 125 को लिख सकते हैं ना, 5 पे क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको लिखेंगे 10^x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ हो गया 5 पे पावर क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर जब सेम होता है, पावर जब इक्वल होता है तो बेस भी इक्वल हो जाता है, तो 10^x बराबर कितना हो जाएगा, 5। देखिए, m^n और यहाँ पे है n^x, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं m, ठीक है। देखिए, जब बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल हो जाता है, उसी तरह से इसका उल्टा होता है। अगर मान लीजिए इस तरह से रहा, ठीक है, जब पावर सेम होता है मतलब इक्वल होता है तो बेस भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, 10^x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों साइड स्क्वायर करने पर, इधर भी स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10^2x बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 10^2x इक्वल टू 25। अब आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे 10^-2x का, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/10^2x। अगर आपको रहे x पावर माइनस टू रहे, तो इसको जब हम लोग ऐसे उल्टा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पावर यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 10^2x है, 2x का वैल्यू कितना है, 25 है। जब 25 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस वीडियो का सही आंसर है, मतलब सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी पे क्यूब करते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी करते हैं क्यूब, दोनों साइड क्यूब करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी पे ऑल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे 1 माइनस a माइनस b कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और इसके जगह में 1 रखे तो वही वैल्यू आ जाएगा, इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में देखिए इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। a माइनस b दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 41 दिया हुआ है, आपसे ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, 2ab होता है ना। देखिए, जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कट जाएगा तो आएगा 2a² प्लस 2b² कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2a² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² b² इतना लिख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या करना है, ये समझ में आपको कहाँ से आया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, a माइनस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 पे इसको a प्लस बी पे होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ पे 41 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, 41, तो यहाँ लिखेंगे 41, तो a प्लस बी पे होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर इसका हो जाएगा 82, ठीक है। अब ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, a प्लस बी पे होल स्क्वायर 82 में से ये देखें, 82 माइनस 1, ये वाला प्लस 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 81। यहाँ a प्लस बी पे जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें रूट चढ़ेगा प्लस माइनस होके 89, तो हो जाएगा प्लस माइनस 9। तो इस वीडियो का जो, सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस टू वाई बाई थ्री जेड बाई फाइव, यहाँ पे एक्स बाई टू होगा ठीक है, इक्वल टू मान लेते हैं के। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू के, वाई बराबर क्या हो जाएगा थ्री के, और जेड बराबर क्या हो जाएगा फाइव के ठीक है। अब ये सबका वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखना है, यानी कि एक्स की जगह में क्या लिखेंगे यहाँ पे टू के प्लस थ्री के माइनस यहाँ हो जाएगा फाइव के, यहाँ हो जाएगा टू के माइनस थ्री के प्लस फाइव के ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे टू प्लस थ्री तो फाइव माइनस फाइव के माइनस फाइव के जीरो, तो पूरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जीरो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो आएगा और नीचे कुछ टर्म आएगा तो जीरो जीरो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिखा हुआ है, फोर एक्स माइनस थ्री वाई सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू फोर बाई थर्टीन है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा तेरह चौक बावन एक्स, तेरह तिया उनचालीस वाई ठीक है, और इसको करेंगे तो सात चौक अट्ठाईस एक्स, यहाँ हो जाएगा छः चौक चौबीस वाई। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए 52x, ये 28x इधर आ जाएगा तो माइनस 28x 24y ठीक है, और ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा 39y। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24x, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 63y। तो x यहाँ है, y को इधर ले आते हैं नीचे 63 और 24 को ले आते हैं इधर। अब देखिए ये कटेगा तो इसको आप लोग काट सकते हैं, थ्री से काटेंगे यहाँ आ जाएगा तीन अठे चौबीस, तो इक्कीस बाई आठ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर है इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, ए से भाग देंगे दोनों तरफ से, यहाँ हो जाएगा अगर ए से यहाँ भी भाग देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस सिक्स माइनस वन बाई ए, और यहाँ तो जीरो आएगा। अब ए माइनस ए को इधर रखते हैं और सिक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस सिक्स आ जाएगा, वही तो हमसे पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको करना है क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे इसमें कितने ये हैं तो आपको बस इससे डिवाइड कर देना है, ये वाला से डिवाइड कर देते हैं, जैसे 37 बाय 1 बाय 2 है, इसको डिवाइड करेंगे 1 बाय 8 से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 75 हो जाएगा ये, है ना, जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 75 बाय 2, ये नीचे आ जाएगा 1 बाय 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 75 बाय 2 ये ऊपर 8 चला जाएगा नीचे आ जाएगा 1, इसको काटे तो 2 4 जाए, तो इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दिस, यानी कि आंसर क्या है 300। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी संख्या के तीन चौथाई का, मान लेते एक संख्या एक्स है उसका तीन चौथाई का दो बट्टे पाँच कितना है, 174 है। समझ में आया आपको, किसी संख्या का मान लेते हैं संख्या x है उसका तीन चौथाई, तो 3/4 का 2/5 कितना है, 174 है, तो वो x का वैल्यू निकालना है। इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 174 4 इंटू फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है, इंटू फाइव नीचे आ जाएगा कितना 3 इंटू टू, तो 2 × 4 इसको देखिए काटेंगे 3 × 5 = 15 × 3 = 24, तो x बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर आ गया 580 ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 580 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी आ जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं ठीक है। देखिए 58 है और यहाँ पे 5 × 2 = 10 है, कितना आएगा 580 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। एक संख्या के, मान लेते हैं संख्या एक्स है, एक संख्या के 2/3 का 3/4 कितना है, 782 है। तो पहले x का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी वही करेंगे x 782 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 4, नीचे आ जाएगा 2 × 3
ये 3 3 कटा, ये 2 2 जा कटा, तो x बराबर कितना आ गया 7 8 2 इंटू टू, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब इसका 1/4 तो हो गया 1/4, और यहाँ पे 3/5 3/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 दोनों में 18, यहाँ पे 1 आ गया और ये नहीं कटेगा। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे 3 9 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो जब इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 1 1 7 3 बाई 5। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 234.6, 234.6। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी जो है सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एक संख्या को, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है इसमें, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष कितना आता है, 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है, ऐसे क्वेश्चन पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस जो ये 39 है ना, इसको ये 17 से डिवाइड कीजिए, 39 को 17 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, बट उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो नंबर है, ये जो पहला वाला नंबर है, क्या इसे डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से। तो देखिए 3 5 7 5 को जब 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है ना। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इस 17 से इसको सीधा भाग दीजिए और रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आपको, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तभी आप यहाँ तक देखे होंगे। डू सब्सक्राइब क्लास हो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। गॉड ब्लेस यू ऑल।